एक सेठ जी और राधा रानी की सच्ची कहानी। ये कहानी राधा रानी के जन्म स्थल बरसाना की है, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। बरसाना गांव में राधा रानी का एक मंदिर है। उस मंदिर के पास में एक धनवान सेठ जी रहते थे। सेठ जी के पास रहने के लिए बहुत बढ़िया मकान था। बाजार में उनकी एक अच्छी सी दुकान थी और सेठ जी के 3 बेटे और 3 बहुएं थी। सेठ जी हर तरीके से संपन्न थे, लेकिन फिर भी सेठ जी का मन बड़ा ही दुखी रहता था, क्योंकि सेठ जी के सिर्फ 1 बेटी की कमी थी। उन्हें लगता था कि अगर उनकी 1 बेटी होती तो वो अपने मन की सारी बात अपनी बेटी को बताते और बेटी को बहुत प्यार करते। कुछ समय पहले सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था, इसलिए सेठ जी बहुत अकेलापन महसूस कर रहे थे। सेठ जी रोजाना अपने घर के पास स्थित मंदिर में राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में राधा रानी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे हुए थे। सेठ जी को उदास देखकर उस संत ने सेठ जी से पूछा, तुम उदास क्यों हो बेटा? सेठ जी बोले, महाराज मेरे कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह पर भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज मेरे तो कोई बेटी नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेंट, जब तुमको बसाने का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी राधा रानी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते हो? संत की यह बात सेठ जी को बहुत पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने राधा रानी का एक बड़ा सा फोटो मंगवाया और उसे अपने कमरे की दीवार पर लगा दिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। सेठ जी उठते बैठते सोते जागते राधा रानी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगे और सेठ जी को अपनी बेटी को हर बात बताने में बहुत आनंद आता था। सेठ जी की राधा रानी में ऐसी लगन लगी कि जब भी वे दुकान पर जाते थे तो राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते थे, और जब शाम को लौटते तो राधा जी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते और हर समय श्री राधे राधे नाम का कीर्तन किया करते थे और हर समय प्रसन्नचित रहा करते थे। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से जाकर मनिहारिन से चूड़ियां पहन ली। राधा रानी को लगा कि आज हमारे पिताजी के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है तो मैं भी जाकर चूड़ियां पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियां पहन कर गई, राधा रानी जी प्रकट हो गई। मनिहारिन ने जब राधा रानी का रूप देखा तो वह उन्हें देखती ही रह गई। राधा रानी बोली, मुझे भी चूड़ियां पहनाओ। मनिहारिन ने अपने मन में सोचा कि सेठ जी के घर में कोई मेहमान आए होंगे, ये लड़की उन्हीं की होगी। यह सोचकर मनिहारिन ने राधा रानी को भी चूड़ियां पहना दी। राधा रानी चूड़ियां पहनकर एक वृक्ष की ओट में जाकर के अंतर ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियां पहना करके मनिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने के लिए सेठ जी की दुकान पर चली गई। मनिहारिन को देखते ही सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियां पहना करके आए हो? मनिहारिन ने जवाब दिया, हाँ सेठ जी, चूड़ियां पहना कर आई हूँ। सेठ जी ने कहा, ये लो तुम्हारी चूड़ियों के पैसे। सेठ जी ने मनिहारिन को हर बार के जितने ही पैसे दे दिए। मनिहारिन बोली, सेठ जी मैं इस बार ज्यादा पैसे लूंगी, मैंने आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियां पहनाई है। सेठ जी बोले, हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई है ही नहीं चूड़ी पहनने वाली। मनिहारिन बोली, ये तो मैं नहीं जानती हूँ सेठ जी, लेकिन मैंने तो चूड़ियां 4 जनों को पहनाई थी। सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे मैं पहले अपने घर में पता करूंगा, उसके बाद तुम्हें दूंगा। मनिहारिन बोली, ठीक है सेठ जी, आप घर में पता करके बाद में दे देना। ऐसा कहकर मनिहारिन वहां से चली गई। शाम को सेठ जी अपने घर पर पहुंचे। उन्होंने घर में मनिहारिन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी। सेठ जी बोले, मैंने भी मनिहारिन से कहा कि चौथा तो कोई है ही नहीं हमारे घर में जो चूड़ियां पहने। इस प्रकार से सेठ जी यह बात भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी श्री राधा रानी, श्री राधा रानी बोलते बोलते श्री राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करके सो गए। थोड़ी देर बाद जब सेठ जी को नींद आ गई तो उनके सपने में श्री राधा रानी जी प्रकट हो गई। राधा जी बहुत ही उदास थी, उनकी दोनों आंखों में आंसू भरे हुए थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है क्योंकि मैंने अपने पिताजी का घर समझकर यहां उस मनिहारिन से चूड़ियां पहनी थी, लेकिन पिताजी आपने उस मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया।
पिताजी आपने मुझे अपनी बेटी तो बना लिया, लेकिन चूड़ियों का मोल चुकाते समय आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। ये सुनकर सेठ जी सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। सेठ जी तुरंत नींद में से उठ फ्री था बैठे जेठा जी की दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। सेठ जी ने तुरंत अपनी तिजोरी खोली और तिजोरी से पैसे निकाले और उसी वक्त मनिहारन के घर की तरफ रवाना हो गए। सेठ जी ने मनिहारन के घर पर जाकर दरवाजा खटखटाया। मनिहारन ने दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर सेठ जी खड़े थे। इतनी रात को सेठ जी को देखकर मनिहारन आश्चर्यचकित रह गई। सेठ जी की दोनों आंखों में आंसू भरे हुए थे। सेठ जी मनिहारन से बोले कि मनिहारन तुम्हारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। मनिहारन बोली, सेठ जी आखिर बात क्या हुई? सेठ जी बोले, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, लेकिन मैंने उनको कभी साक्षात अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई है। आज तुम्हारे जैसा भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं है। ये कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जितना भी तुम लेना चाहती हो वह ले सकती हो। जब मनिहारन ने सुना कि स्वयं राधा जी उससे चूड़ियां पहनने आई थी तो मनिहारन को अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ कि आखिर मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो मुझे स्वयं राधा जी के दर्शन हुए। ऐसा मन में विचार करते हुए मनिहारन की आंखों से भी आंसुओं की धारा बहने लगी। मनिहारन बोली, सेठ जी मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया है और मैं बिटिया की चूड़ियों के पैसे आपसे नहीं लूंगी। लेकिन सेठ जी नहीं माने। सेठ जी रन रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारन के घर पर रख दी और वहां से सीधे श्री राधा रानी जी के मंदिर पहुंच गए। उस दिन के बाद से सेठ जी ने अपना सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना बचा हुआ जीवन राधा रानी के मंदिर में राधा रानी की सेवा करते करते बिता दिया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।